हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर। मैं अर्जुन भार्गव आपका भारतीय संविधान व राज व्यवस्था की क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे स्वतंत्रता के अधिकार पर, राइट टू जो फ्रीडम, जो अपने जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार हैं अनुच्छेद 19, 20, 21 व 22, जिसमें हम पिछले अध्याय में आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 पर चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 के ऊपर। संविधान का जो आर्टिकल 20 अनुच्छेद जो 20 है, इस पर चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड, जब हमारा निर्माण हो रहा था संविधान का 1946 कैबिनेट मिशन के बाद, जब इस पर प्रस्ताव शुरू हुए थे, उस समय घटना घटी थी। वो घटना ये थी कि जो अपने संविधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो एडवाइज़र थे बेनेगल नरसिम्हा राव, उन्होंने एक सिफारिश की थी कि भारत के अंदर जो हमें किसी आम व्यक्ति को गिरफ्तारियों से अगर संरक्षण चाहिए, तो उसके अंदर का आर्टिकल 20 के अंदर जो हमारे टर्म शामिल हुई थी कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर वो क्रिमिनल है और नहीं है, ये बात का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन उसके लिए दोष सिद्धि से संरक्षण किस प्रकार उसको मिलेगा यदि वो क्रिमिनल है भी और नहीं भी। ठीक है, तो इस संबंध में जब B.N. Rao, तो आप नाम याद रखेंगे, B.N. Rao जो थे, इन्होंने एक बात कही थी कि जो अगर हम बात करते हैं तुलना अमेरिकी संविधान की या आयरिश संविधान की, आयरलैंड के संविधान की, कोई भी आप संविधान की बात कर लो, बड़े देश के संविधान की, तो उनके अंतर्गत अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संरक्षण में तीन बातें शामिल थी, ऐसा कहा गया B.N. Rao द्वारा। वो क्या बातें थी? एक तो था, पहली बात, जो कार्योत्तर विधियां होती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि इसको शामिल किया जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी शामिल किया जाए। और तीसरा वो चाहते थे प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अर्थात जो आत्म अभिशंसन है उससे संरक्षण, क्योंकि तीनों ही जो टर्म है अमेरिकी संविधान और आयरिश संविधान दोनों में पाई जाती है। तो जो अपना आर्टिकल जो 20 है, ये कहता है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि में संरक्षण, ये बात कहता है कि जो भी अपने किसी प्रकार का कोई भी क्राइम किया गया है, उसके अंतर्गत दोष सिद्धि के संरक्षण की बात कहता है आर्टिकल 20 के अंदर। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 20 के टर्म्स की, जो कि B.N. Rao ने, मैंने बताया कि कितनी प्रकार की, तो कहते तीन इसमें रूल शामिल होने चाहिए, जो उन्होंने बोला और माना। आपको बता देता हूँ, वो ऐसा चाहते थे कि तीन बातें शामिल हो, और अपने जो आर्टिकल 20 है, इसके क्लॉज भी तीन है, अर्थात इसके खंड कितने हैं, तीन ही खंड है। तो हमें आर्टिकल 20 के अंदर तीन खंड पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें पहला होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जो कि कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। दूसरा कहता है, आपको बता देता हूं, दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। और तीसरा कहता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब देखो, हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह आर्टिकल दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, अपराध। पहली बात जो है अपराध, इसे कहते हैं ऑफेंस, हम कह सकते हैं ऑफेंसेस, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं दंड, दंड जिसे हम कह देते हैं पेनल्टी, कह सकते हैं पेनल्टी बोल दीजिए, ठीक है। तो दो बातें अपने कह देते हैं, अपराध ऑफेंसेस, और दूसरा क्या कहते हैं, दंड, जिसमें आप, सॉरी स्पेलिंग गलत करती मैंने, पेनल्टी कह सकते हैं, ठीक है। तो अपराध व दंड, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, ठीक है। अब देखिए, आपको बता देता हूं, आर्टिकल 20 पूरी तरह से इस चीज पर निर्भर करता है। पहली बात आप ध्यान दीजिएगा कि क्या आपने कोई अपराध किया भी है या नहीं। अब ये कहोगे, आप कहोगे ये कैसे डिफाइन होगा, डिफाइन ये होता है कि मान लीजिए आज आपने कोई काम किया है, ठीक है, समाज की दृष्टि में, और आज की तिथि में वो अपराध नहीं है, लेकिन आगे चल के वो अपराध हो जाता है, और आगे चल के इसको आपको इसकी सजा का प्रावधान हो जाए, क्योंकि आपको बोलेंगे फ्यूचर में आपने क्या किया था, एक अपराध किया था, तो ये कोई तरीका थोड़े ना हुआ। इसीलिए आपको बता देता हूं कि यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अपराध व दंड, जो आपके ऑफेंसेस और पेनल्टी। ये देखिए, अपने बात करते हैं जो 20 का खंड एक है, जिसे कहते हैं आर्टिकल 20 एक कहते हैं, ये कहता है भूतलक्षी विधियां
या कार्योत्तर विधि, ये आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे, भूतलक्षी विधि या कार्योत्तर विधि से संरक्षण, भूतलक्षी विधि या कार्योत्तर विधि से संरक्षण, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कार्योत्तर विधि संरक्षण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अर्थात जो भी अपनी कार्योत्तर विधि, मैं भी आपको समझाऊंगा ये कार्योत्तर विधि क्या है, आपको बता देता हूं ये जो आर्टिकल है 20(1) यदि हम बात करते हैं इसकी तुलना में यूएसए की, तो यूएसए के अंतर्गत जो अनुच्छेद, जो वहां पर जो आर्टिकल 9 है, अनुच्छेद 9 का जो खंड है 3, वो भी यही बात करता है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण किस प्रकार मिलता है। अर्थात कार्योत्तर विधि का कहने का मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं आपको। सिंपल सा फॉर्मूला ये कहता है कि पास्ट में किया गया कोई भी जो क्राइम है, अगर उस टाइम की सजा जो पास्ट में जो भी डिफाइन की गई थी, आपको प्रेजेंट में अगर उसकी सजा मिलती है तो पास्ट वाली ही सजा मिलेगी, ठीक है, ये सीधी सी बात है। दूसरा एक बात मैंने आपको क्या कहा है, एक व्यक्ति है जो कि क्या कह रहा है, मैं पास्ट में उसने क्राइम कर दिया, मान लीजिए 1990 में उसने कोई क्राइम किया, उसका केस चलता रहा, सन 2000 में उसका रिजल्ट आया, अब उसको उस कानून की जो सजा 2000 में तय हो चुकी थी वो वाली नहीं मिलेगी, उसको 1990 वाली सजा का प्रावधान होगा, क्योंकि वो कार्योत्तर विधि से संरक्षण मांग सकता है, भूतलक्षी विधियां, वो पास्ट वाली बात ही करेगा कि भाई वो उस पर नई विधि चाहे तो संसद बना दे, लेकिन आपको बता देता हूं कि उस वो संरक्षण प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति। सेकेंडली मान लीजिए अगर मैंने अभी एग्जाम्पल दिया दो चीजें, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, ठीक है, अपराध और दंड, ये दो बातें, अगर मान लीजिए आपने पास्ट में कोई काम किया और वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में 2 साल बाद ही वो उस पर क्या बन जाती है, पेनल्टी बन जाती है, वो मान लो ऑफेंस जो है वो अपराध की श्रेणी में आने लगा, उस पर दंड का प्रावधान हो गया, तो आपके ऊपर दंड लगा दिया जाएगा। किस प्रकार, कि आपने 2 साल पहले कोई ऐसा काम किया था जिसके ऊपर आपके दंड लगाया जा रहा है, तो आप इस पर संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं कि जब मैंने ये काम किया था उस समय ये अपराध की श्रेणी में ही नहीं आता था, तो आप मुझे दंड का प्रावधान कैसे कर सकते हैं। यदि आपको अपराध और दंड, ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टी वाली जो थ्योरी है 21 के अंदर, कि भाई अगर 20 के क्लॉज 1 के अंदर जो बात कही है, यदि आपको ये बात अच्छे से समझनी है, तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं अपने परीद बनाम निलंबन केस, ठीक है, ये समझना ध्यान से, परीद बनाम निलंबन वाद, ठीक है, परीद बनाम निलंबन जो वाद था ये केरल से संबंधित 1967 का एक वाद था, केरल राज्य का वाद था 1967 का। इसमें क्या हुआ था, एक पंचायत कर जो था पास्ट में, जैसे आज मान लो चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, आज के टाइम में पंचायत कर देना जो है ना, अगर पंचायत कर नहीं देते तो वो अपराध नहीं है, तो आगे चल के क्या हो गया, 2 साल बाद 3 साल बाद एक नया कानून बनाया कि पंचायत कर अगर कोई नहीं देगा तो वो क्या होगा, अपराध होगा, और पुराने टाइम में जिसने नहीं दिया है तो वो अपराध की श्रेणी में आ गया। तो न्यायालय ने इस वाद में बोला कि आप इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं कर सकते कि जब पास्ट में वो कोई अपराध नहीं था, हाँ आज आप कह रहे हो कि पंचायत कर देना अपराध नहीं है, यदि आज से कोई अगर पंचायत कर वो नहीं देगा तो अपराध की श्रेणी में हो सकता है, लेकिन आप इस वाद में कहा गया आप इस आधार पे कि इस मामले को अपराध की श्रेणी में नहीं ले सकते कि पास्ट में पंचायत कर देना अपराध नहीं था, तो आप कह दोगे ठीक है उस समय अब अपराध हो गया तो आपने पहले भरा नहीं टैक्स, इसीलिए आपको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। तो ये एक 1967 का केस है, परीद बनाम निलंबन वाद, जो कि केरल से संबंधित था, जिसमें कहा गया। तो अब देखो, अपनों ने पंचायत कर नहीं दिया तो मतलब अपनों ने अपराध नहीं किया, आगे चल के इसके लिए दंड का प्रावधान हो गया तो हमें कोई दंड नहीं मिलेगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 20(1) कार्योत्तर या भूतलक्षी विधियों से संरक्षण, जो कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करता है। देखो आपको बता देता हूं, इस आर्टिकल के अंतर्गत बहुत सारे मामले जुड़े हैं। आपको बता दूं इस आर्टिकल में बहुत लोगों ने संरक्षण लिया था, बहुत सारे ऐसे वाद हैं, जैसे केदारनाथ वाद की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था, केदारनाथ वाद में भी आर्टिकल 20(1) जो है वो संरक्षण देता है। रतनलाल बनाम पंजाब राज्यवाद कह लें, या टी बराय बनाम हेनरियो वाद कह लेते हैं, इस तरह के कुछ वाद हैं जिसके अंतर्गत उदाहरण मिलता है कि किस किस प्रकार से किस किस व्यक्ति ने संरक्षण प्रदान किया। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ सभी तरह के जो भी वाद हैं, आप ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए पहली बात करते हैं इस केस के अंतर्गत, केदारनाथ वर्सेज
केदारनाथ वर्सेस पश्चिमी बंगाल राज्यवाद। ठीक है, केदारनाथ वर्सेस पश्चिम, ये पहला वाद है इसके अंदर, मैं बता रहा हूं, केदारनाथ वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्यवाद। इसके अंतर्गत क्या हुआ आपको बताता हूं, 1947 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिली, आगे बात दंड पेनल्टी हुई, और पेनल्टी जो भी उस पर जुर्माना था, जितने रुपए का जुर्माना था, जैसा भी जुर्माना था, ठीक है, वो उदाहरण के लिए कुछ भी ले लीजिए आप। अब पेनल्टी के अंतर्गत क्या होता है आपको बता देता हूँ, उस पर पेनल्टी होती है, और 1947 की आपको बता देता हूँ, उसका क्राइम कब का है, 47 का, 1947 का, लेकिन पेनल्टी होने के बाद 1949 में उस पर क्या प्रावधान हो गया कि वो जो जो भी दंड जुर्माना रखा होता उसको डबल कर दिया गया, ठीक है, उसकी 1940 में, ये तो बात कब की थी, 1947, 1949 के अंतर्गत जुर्माने को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। अब इस बात पर केदारनाथ वर्सेज जो जो पिटिशनर था, पिटिशनर याचिकाकर्ता पर क्या हुआ, डबल पेनल्टी लगा दी गई, और इसने दावा किया कि ये मेरे आर्टिकल 20(1) का जो है हनन करता है, ये बात इसको रोकता है 20(1) को, कि 20(1) में मुझे संरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो मेरा अपराध था 47 में था, जो नियत जो भी पेनल्टी थी मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन उस तिथि के बाद आपने जो 1949 में जो पेनल्टी लगाई है उसका मेरा कोई हक नहीं बनता। तो कोर्ट ने इसके पक्ष में, इसके फेवर में अपना फैसला दिया, अपने इसके पक्ष में बोला कोर्ट, कोर्ट ने कहा कि ये अगर आप डबल पेनल्टी इनसे लेते हैं तो आर्टिकल 20(1) का क्या होगा, उल्लंघन होगा, अर्थात इस राइट का आप उल्लंघन करते हैं। दूसरा, अगर हम इसी केस का बात करते हैं, वाद रतन लाल बनाम पंजाब राज्यवाद, अगर हम बात करें दूसरा इस केस का, एक नंबर केस, दूसरा रतन लाल बनाम पंजाब राज्यवाद। देखो केस तो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा था, ये इस बात की, इसके बारे में बात करें, देखो इस केस के अंदर क्या हुआ था, एक लड़का था, स्टूडेंट था, उसने क्या किया था, पड़ोस में किसी घर में घुस के छेड़छाड़ की थी, किसी प्रकार के इस प्रकार का कुछ उस पर केस लगा था, तब उसको क्या किया गया था, 6 माह का कठोर कारावास दिया गया। अब आपको बता देता हूँ, उसकी आयु थी 16 वर्ष। अब ये ध्यान देना, आपको इस केस से पता चलेगा, एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि यदि आपका पास्ट में कोई क्राइम किया गया तो उसकी पास्ट की सजा होगी, जैसे मैंने बताया कि 1990 में एक व्यक्ति ने कोई काम किया, उसकी सजा 5 साल होती है, और सन 2000 में उस काम की सजा कितनी कर दी, 10 साल कर दी गई, कठोर कारावास कर दिया गया 10 साल। तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, अगर उसको मान लो सन 2001 में सजा हुई, फैसला तब आया, तो व्यक्ति कह सकता है कि देखो मेरे को जो 10 साल की सजा नहीं होनी चाहिए, मेरा 1990 का क्राइम था, और 20(1) के अनुसार मेरे जो है भूतलक्षी विधियों से मुझे संरक्षण मिलना चाहिए, और मेरा 5 साल मेरी सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर इस बात को, कई बार स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर अगर ऐसा हो जाए तो, मान लीजिए आपके जो कोई भी कानून है उसकी सजा मान लीजिए प्रेजेंट में 6 साल है, आगे चल के वो सजा कम कर दी जाए, उसको 3 साल कर दिया जाए, और उस व्यक्ति का फैसला भी 3 साल बाद आता है, तो क्या उसको 5 साल सजा मिलेगी या 3 साल सजा मिलेगी, मतलब जो प्रेजेंट में सजा वो मिलेगी या आगे जो कम वाली सजा है वो मिलेगी, क्या इसका फायदा वो उठा सकता है, तो बिल्कुल उठा सकता है। यही बात कही गई थी रतनलाल बनाम पंजाब राज्यवाद में, इस बात से आपको समझ आएगा। तो जो जो भी जिसपे मतलब जिसपे अपराध अभियुक्त था, जिसपे मुकदमा चल रहा था, तो बताते कि उसकी उम्र 16 वर्ष थी, और उसको 6 माह का कठोर कारावास दिया गया, ठीक है, 6 महीने का कठोर कारावास दिया गया। लेकिन क्या होता है आपको बता देता हूँ, इस केस के अंतर्गत कुछ समय बाद, आपको बता देता हूँ थोड़े ही समय बाद, पहले तो जो न्यायालय था उसने दे दिया, जो भी न्यायालय लगता था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो भी था, तो उन्होंने 6 माह का कठोर कारावास दे दिया। लेकिन जब अपील न्यायालय में उन्होंने अपील की ना, उस समय क्या हुआ, कानून बन गया था कि 21 वर्ष जो आयु दे दी, कितनी, 21 वर्ष, कि जो अपील न्यायालय के समय जब अपील चल रही थी उस समय संसद ने कानून बना दिया कि 21 वर्ष से कम वालों को सजा नहीं हो सकती, तो उसने सीधा इसमें प्रोटेक्शन ले लिया कि मेरी आयु तो कितनी है, 16 वर्ष है, तो उसको जो 6 माह का कठोर कारावास हुआ था वो रद्द हो गया, एक तरह से उसको संरक्षण मिल गया कि उसकी आयु कितनी होगी थी, जो कानून के अंतर्गत आयु कितनी होगी थी, 21 वर्ष, और उसने क्या बोला कि मेरी आयु कितनी है, 16 वर्ष, तो उसको डायरेक्ट क्या हुआ कि जो 6 माह का उसको कठोर कारावास मिला था उससे क्या मिल गया, संरक्षण मिल गया। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर आपने जो अपराध किया है
आज उसके प्रेजेंट में सजा है लेकिन आगे चल के कम हो जाती है उसकी सजा, तो आप भी आगे चल के बोल सकते हो कि मुझे कम सजा दो। पास्ट में भी संरक्षण ले सकते हो और आगे चल के भी संरक्षण ले सकते हो। देखो इसी केस के अंतर्गत यदि हम बात करें, एक और केस था जिसके अंतर्गत आपको बता देता हूं, केस का नाम था तीसरा टी ब्राय, इस केस का नाम था टी ब्राय बनाम हेनरी आहो, बनाम हेनरी आहो, ठीक है। ये कहता है टी ब्राय बनाम हेनरी आहो के अंतर्गत क्या हुआ, जिसने भी जो भी इसमें याचिका करता था उसको 1975 के अंतर्गत आजीवन कारावास हुआ, ठीक है। 1975 के अंदर किसी केस में उसे आजीवन कारावास हुआ, लेकिन आपको बताता हूं 1976 के अंदर एक साल बाद ही उसको घटाकर, उस जो कानून के अंदर जो सजा थी उसको घटाकर कितना कर दिया, 3 वर्ष कर दिया गया। तो अब आजीवन कारावास से उसका भी कारावास किस में बदल गया, 3 वर्ष। तो उसने प्रोटेक्शन ले लिया कि पहले इसके अंतर्गत आजीवन कारावास था लेकिन इस दंड को कम करके कितना कर दिया गया, 3 वर्ष, तो मुझे भी जेल में कितनी सजा हो, 3 वर्ष की सजा हो। तो ये दो केस ऐसे थे जिन्होंने आगे चल के प्रोटेक्शन ले लिया, जबकि केदारनाथ मामले में मैंने आपको बताया कि 1947 में जो दंड का प्रावधान था, जो कि मैंने बताया 1949 में वो दुगना हो गया, तो व्यक्ति पर दुगना कर लगाया गया, मतलब दुगना जुर्माना लगाया गया, पेनल्टी डबल हो गई, लेकिन उसने कोर्ट में कहा कि आप मुझे डबल पेनल्टी नहीं दे सकते क्योंकि भूतलक्षी विधियों से संरक्षण मिलता है, जब मैंने जो काम किया है उसी की मुझे सजा मिलेगी। तो ये आपका आर्टिकल क्या था, 20(1) था, जो आपको कार्योत्तर या भूतलक्षी विधियों से क्या देता है, संरक्षण देता है। तो मैंने आपको बताया था बीएन राव जो थे इन्होंने इस आर्टिकल की सिफारिश की थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यदि आर्टिकल 20(2) के बारे में, तो 20(2) कहता है डबल चौपाटी के बारे में, देखिए आर्टिकल 20(2) जो है ये कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्टी, अर्थात दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्टी अर्थात दोहरे दंड से संरक्षण। देखो इसके अंतर्गत सीधी सी एक बात है, एक व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, ए मैन शुड नॉट टू बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, एक ही व्यक्ति को एक ही दंड के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार उसको सजा नहीं दी जा सकती। देखो ये जो सिद्धांत है ना आर्टिकल 20(2) वाला, ये आंगल विधि सिद्धांत है, ये आंगल विधि सिद्धांत पर आधारित है। ये वाला जो आर्टिकल है ये हर जगह मिल जाएगा आपको, जो अपने दूसरे देशों के संविधान की बात करें वहां भी मिल जाएगा ये आपको। ये जो आंगल विधि पर जो सिद्धांत आधारित है इसे बोलते हैं नेमो डेबिट विस वेक्सारी, ठीक है। इसका नाम है नेमो डेबिट विस वेक्सारी, ये आप याद रखेंगे, नेमो डेबिट विस वेक्सारी, जिसका अर्थ यही कहता है किसी भी व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, जो कि मैंने आपको लाइन बता दी, ए मैन शुड नॉट टू बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, अर्थात वही अपराध के लिए उसको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। अब आपको समझ तो आई गई भी बात कि मैंने बता दिया एक ही पनिशमेंट के लिए, लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कुछ कंडीशन है, इस आर्टिकल की कंडीशन बताई गई थी कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश। मामला कौन सा था, कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश। देखिए इस वाद के अंदर आपको बता देता हूं 3 बातें कही थी, आपको वो 3 बातें याद होनी चाहिए। नंबर 1 बात कहता है कि सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए ये क्या कह रहा है कि अगर आपको 20(2) में संरक्षण चाहिए, तो अगर आपको आर्टिकल 20(2) में क्या चाहिए, संरक्षण चाहिए, सबसे पहले नंबर 1 बात, उस व्यक्ति का अभियुक्त होना जरूरी है, अर्थात उस व्यक्ति का इन्वॉल्व होना जरूरी है, उस पर अपराध की श्रेणी भी तो आनी चाहिए कि उस पर अपराध लगा है, ठीक है। तो उस व्यक्ति का अभियुक्त होना जरूरी है, पहली बात। सेकंड बात यह कहता है जो उसकी जो कार्यवाही हो रही है वो एक न्यायिक रूप में हो, अर्थात उस न्यायिक प्रकृति की होनी चाहिए। दूसरा आपको बता देता हूं, यहां पे न्यायिक शब्द में सब कुछ आ जाएगा, न्यायिक का अर्थ यह है कि न्यायपालिका के सामने होनी चाहिए, मतलब न्यायपालिका लेवल के सामने होनी चाहिए, कि आप सोचें कि एक पुलिस कार्यवाही होगी
या फिर आप कह दें कि मोहल्ले में जो कहते हैं कि कुछ ग्रुप्स बने होते हैं उन्होंने मिलकर कार्रवाई कर दी, उस कार्रवाई की कोई अहमियत नहीं है। वो अभी आपको मैं केस बताऊंगा, आर्टिकल 22 का अल्टीमेट केस आपको बताऊंगा, इसके अंतर्गत मकबूल हसन का केस, ठीक है? तो आप बात सुनना, 20 अगर ये कहता है कि आपको आर्टिकल 22 में अगर संरक्षण चाहिए, ठीक है, नैमो डेबिट विश्वविकसारी के अंदर, तो कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश वाद में तीन बातें बोली गई। नंबर एक, व्यक्ति अभियुक्त होना चाहिए। दूसरा, उस पर कार्यवाही जो है न्यायिक रूप में होनी चाहिए, न्यायिक प्रकृति की हो और न्यायालय के सामने, न्यायालय नहीं तो न्यायालय जैसी कोई संस्था, जरूरी नहीं है चलो न्यायालय कह दिया, कोई न्यायिक संस्था के सामने कार्यवाही होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो भी अभियोजन है उस पर जो भी अपराध लग रहा है उसके अंतर्गत दंड का प्रावधान होना चाहिए। देखो, अगर मान के चलो आपको दंड ही नहीं दिया गया, मान के चलिए यदि आपको दंड का प्रावधान नहीं होता, दंड नहीं दिया गया, तो उसके ऊपर आप फिर क्या कहोगे? आगे चल के आपको बोल देंगे दो, आपको दंड मिल रहा है, तो आप कह दोगे मेरे को दोहरा दंड क्यों दे रहे हो? एक बार अगर आपको दंड मिला ही नहीं, तो मैं यही तो बात आपको बता रहा हूं कि इस वाद में क्या बोला गया। सबसे पहले क्या, व्यक्ति को क्या होना चाहिए? अभियुक्त होना चाहिए, अर्थात ऑफेंस का उस पर चार्ज होना चाहिए, अपराध का होना चाहिए। सेकेंडली वो कहता है कि उसकी जो कार्यवाही है न्यायिक हो, और ये कहां किसके सामने होगी? न्यायालय के सामने होनी चाहिए। तीसरा वो कहता है अभियोजन, जो भी अभियोजन उस पर लगा है उसमें क्या होना चाहिए? दंड का प्रावधान होना चाहिए। यदि ये तीनों बातें शामिल है तो आपको आर्टिकल 22 में दोहरे दंड से संरक्षण मिलता है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में कुछ केसेस हैं जिससे हमें ये बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसका सबसे अल्टीमेट क्लासिकल केस था मकबूल हसन, ये समझना बहुत ही अच्छा केस था, आपको बात ही क्लियर हो जाएगी इसके अंतर्गत। मकबूल हसन बनाम बंबई राज्यवाद, देखिए आपके परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट केस है, इसीलिए आप याद रखेंगे। मकबूल हसन बनाम बंबई वाद 1953 का था। देखिए आपको बता देता हूं, ये जो प्रत्यक्षदर्शी था, जो भी याचिका करता था मकबूल हसन, आपको बता देता हूँ, ये फॉरेन से लौटा था, ठीक है? और फॉरेन से जब ये लौटा तो इसके पास अवैध रूप से सोना पाना पाया गया, इसको सी कस्टम एक्ट, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा? सी कस्टम एक्ट। सी कस्टम एक्ट के तहत जितना भी ये जो सोना लाया था चुरा, जो भी मतलब कहते हैं कि विदेश से सोना लाओ, तो ये अपराध आपको पता है कि आप बिना किसी जानकारी कैसे गोल्ड नहीं ला सकते, तो ये जो सोना लेकर आया था, तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी उसने सी कस्टम एक्ट के तहत, आपको पता है कस्टम और एक्साइज के बारे में, तो सी कस्टम एक्ट के तहत इसका जो सोना था उसको जब्त कर लिया गया। अब देखो, ये कोई पेनल्टी नहीं हुई, सोना जब्त कर लिया, ये तो वो जो एक्ट के अंदर जो प्रावधान है वो तो वो कर रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक तो तक कानून के एक डिपार्टमेंट अपना कानून फॉलो करेगा, उसके बाद सजा होगी वो अलग। तो सी कस्टम एक्ट में तो क्या हो गया, इसका सोना जब्त कर लिया, जबकि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, आप याद रखना कौन सा? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये फेरा, ठीक है? फेरा के तहत इस पे कार्रवाई की गई कि इसने क्या किया है, जो ये विदेश से सोना लाया है ये एक तरह से इल्लीगल है, इस तरह आप ये काम नहीं कर सकते, अर्थात फेरा कानून के तहत इस पर कार्रवाई की गई, किस पे? मकबूल हसन पे। अब देखो पिटिशनर क्या कहता है, पिटिशनर ये कहता है बंबई राज्यवाद में जब कोर्ट में मामला याचिका गई, वो कहता कि जब मेरा सोना सी कस्टम एक्ट के तहत आपने सीज कर लिया तो मेरे को अपराध के लिए दंड तो मिल गया, भाई मेरा सोना आपने जब्त कर लिया, तो गवर्नमेंट ने अर्थात न्यायालय ने ये बोला कि जो आपका सोना जब्त हुआ है ना वो किसी एक्ट के तहत हुआ है, जब इस पे अभी तक आपको दंड नहीं मिला है, अभी तक तो न्यायिक कार्रवाई ही नहीं हुई है। मैंने आपको क्या बोला था, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? न्यायिक प्रकृति की, अर्थात किसके सामने? न्यायालय के सामने। ये कोई न्यायालय के सामने थोड़ा ना हुई है, वो तो उनका रूल है, इस एक्ट का, सी कस्टम एक्ट का रूल है कि अगर आप इस तरह से विदेशी सोना या कोई भी ऐसे विदेशी धातु लाते हो आप मूल्यवान, तो वो क्या कर दी जाएगी? जब्त कर ली जाएगी, और अब आप पे कार्रवाई चलेगी फेरा के तहत कि भाई आपने फॉरेन एक्सचेंज जो रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया है उसके तहत आपको सजा मिलेगी। इसीलिए जो मकबूल हसन ने, जो याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी, उसको अवैध घोषित कर दिया कोर्ट ने कि आपको इसके अंतर्गत संरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि दंड तो आपको मिला ही नहीं,
इसीलिए दंड तो अब आपको मिलेगा, अब आपकी न्यायिक कार्रवाई हो रही है। तो आप समझे होंगे इस केस से, आपको समझ आया होगा कि जो ये अभियुक्त में तीनों बातें कही गई थी कि व्यक्ति अभियुक्त होना चाहिए, पहली बात चलो मान लिया अभियुक्त तो है लेकिन कार्यवाही न्यायिक हो, यहाँ पर न्यायिक कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तो एक कस्टम वालों ने कस्टम एक्ट के तहत सोना जब्त किया और सेकेंडली उस पर कार्रवाई चलाई, बंदा कहता मेरे पे कार्रवाई मत चलाओ, भाई ऐसे तो फिर ये सही है कि मान लो बॉर्डर पे कोई भी चला जाएगा, कोई भी स्मगलिंग शुरू कर देगा और जब स्मगलिंग में वो पकड़ा जाएगा वो कहेगा ठीक है स्मगलिंग का माल ले लो मेरे को छोड़ दो, ठीक है। ये वही वाली बात है ना कि इस पे एक बहुत ही शानदार कहानी है कि एक व्यक्ति था जो कि रोज बॉर्डर पर जाता था, उसके पास बाइक होती थी और बोरे में वो क्या होता था मिट्टी भरी होती थी, कभी रुई भरी होती कभी मिट्टी भरी होती, तो बॉर्डर वाले रोज चेक करते थे, स्थानीय निवासी था वहाँ का, तो बॉर्डर वाले रोज चेक करते थे, कहते कि वो डेली देखते बैग चेक करते, कहते मिट्टी है इसके अंतर्गत, वो चला जाता फिर रोज ऐसे होता और उनको खबर होती थी ये कुछ सप्लाई कर रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि पुलिस वाले उसको रोक के, बॉर्डर पे जो पुलिस थी वो उसको रोक के पूछते हैं कि देख तुझे जाते हैं तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, हमें एक बात समझ नहीं आई कि तेरे बोरों में मिट्टी भरी होती, तू ये क्या करता है बोरियों का मिट्टी का, कभी रुई भरी होती और कभी मिट्टी, और हमने छान मारा हमें कुछ मिला नहीं, तो तू आखिर सच में कुछ सप्लाई करता है या फिर ऐसे ही हमको बेवकूफ बना रहा है। तो वो कहता मैं चलो आप आज आपको बता ही देता हूँ, मेरा काम तो बन गया कि 6 महीने से आपको लगा मैं मिट्टी या रुई ये चीज़ें सप्लाई कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैं बाइक सप्लाई करता हूँ चोरी के, जो आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो वो एक वही वाली बात हो गई कि अगर इस प्रकार का अगर कोई मान लीजिए मामला हो जाता है कि कोई व्यक्ति है वो कहेगा मैं सप्लाई कर रहा था आपसी कोई भी कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार, मतलब मेरा माल पकड़ लो लेकिन मुझे छोड़ दो, तो इसमें आपको दोहरे दंड का कोई मतलब नहीं बनता, दोहरे दंड में इस प्रावधान में आपको सैंक्शन नहीं मिलेगा। तो ये अल्टीमेट क्लासिक केस था मकबूल हसन बनाम बंबई राज्यवाद, जो कि 1953 का केस था। देखो इसके अंतर्गत आपको एक और केस बता देता हूँ, वेंक टर्मन बनाम भारत संघ मामला, वेंक टर्मन बनाम भारत संघ। देखिए इस केस के अंदर देखो क्या हुआ था, वेंक टर्मन बनाम भारत संघ जो याचिकाकर्ता था, इसमें याचिकाकर्ता को पब्लिक सर्विस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है तो आप याद रखेंगे पब्लिक सर्विस इंक्वायरी एक्ट 1961 के तहत, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा पब्लिक सर्विस इंक्वायरी जो एक्ट है उसके तहत उसको पद से बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पद से बर्खास्त करना एक तो होता है, पद से बर्खास्त करने के बाद कोई उस पे विभागीय जांच बैठती है, दूसरा पेनल्टी कौन देता है, न्यायालय देता है। अब दो बातें फिर आ गई ना कि एक व्यक्ति था उसको क्या है इंक्वायरी करनी थी उसके ऊपर, चलो कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप था, आपको बता देता हूँ, ठीक है, करप्शन का कोई चार्ज था, तो करप्शन का अभी तक करप्शन के चार्ज में उसको सजा नहीं हुई है, केवल उसको इंक्वायरी जब तक होगी तो उसको क्या कर दिया गया भाई, सस्पेंड कर दिया गया भाई, आप कह सकते हैं कि अस्थायी रूप में, कि भाई परमानेंट तो नहीं किया, टेम्परेरी कह सकते हैं, टेम्परेरी रूप से उसे क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और अब उसके बाद पिटिशनर दावा करता है कि इन्होंने, देखो पहले इन्होंने इंक्वायरी की और बाद में इन्होंने इस पे आईपीसी एक्ट लगा दिया, इंडियन पिनल कोड और 2 भ्रष्टाचार अधिनियम, इन दोनों के तहत इस पे मुकदमा चलाया, पहले तो इंक्वायरी हुई और उसके बाद आईपीसी और भ्रष्टाचार में मुकदमा चला। अब क्या हुआ, कमिश्नर जो ये जो कमिश्नर के सामने जो पहले इंक्वायरी हुई थी, तब वेंकटरमन जो है इन्होंने क्या किया, पिटिशनर ने दावा किया कि जो मेरे ऊपर एक बार सस्पेंड मुझे कर दिया गया है तो मेरे को आईपीसी और भ्रष्टाचार की धारा मेरे को केस क्यों चला रहे हो, आपने एक बार कर दिया ना काम कि मुझे मेरे पद से बर्खास्त कर दिया, अब मुझे सजा किस बात की, भ्रष्टाचार के अंतर्गत। तो फिर वही वाली बात आ गई मकबूल हसन वाली बात कि जो ये है ना इंक्वायरी, ये पब्लिक सर्विस इंक्वायरी एक्ट जो था, इंक्वायरी हुई थी वो किसी विभाग के सामने हुई थी, अर्थात कोर्ट ने बोला कि जो आपकी जो जितनी भी इंक्वायरी हुई है वो कमिश्नर के सामने हुई है, तो न्यायालय के सामने नहीं हुई। अब जब इसके अंतर्गत साबित हो गया कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो आपके इंडियन पिनल कोड और भ्रष्टाचार जो अधिनियम निवारक अधिनियम है उसके तहत आप पे क्या चलाया जाएगा, केस चलाया जाएगा, तो ये कोई किसी प्रकार का दोहरा दंड नहीं है। तो आपको बता देता हूँ इस तरह के वाद के अंतर्गत दोहरे दंड से कोई संरक्षण नहीं मिलता। तो ये आर्टिकल था आपका 20(2) जिसको कहते हैं दोहरे दंड से संरक्षण। देखो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल 20(2) तो समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है
कि किसी प्रकार का ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, तो उस पर मैं आपको जवाब दे दूंगा। वैसे बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि 20-2 में दोहरे दंड से संरक्षण मिलता है, किस प्रकार दोहरे दंड से संरक्षण दिया जाता है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। और ये आप याद रखना कि ये किस पर आधारित है, आंगल विधि सिद्धांत जो कहता है नेमो डेबिट विश्वेकसारी, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि इन तीन बातों का होना जरूरी है। इसका फाइनल पार्ट जो है अनुच्छेद 20-3 का फाइनल पार्ट और देख लेते हैं हम, 20-3 जो कहता है कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन, अर्थात आप खुद को क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकते, यह आर्टिकल 20-3 कहता है। देखो 20-3 भी अच्छा आर्टिकल है, ध्यान से समझना, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 20-3 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को आत्म अभिशंसन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन, अर्थात जो कोई भी व्यक्ति है उसको खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि हम बात करते हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का 5वां संशोधन जो था वो इसी चीज पर था। अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन में 5th अमेंडमेंट हुआ, वो 5th अमेंडमेंट क्या कहता है, वो यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ खुद के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अर्थात खुद को क्रिमिनल घोषित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 20-3 के अपने संविधान में 20-3 के अंतर्गत कहता है। देखो आपको बता देता हूँ 20-3 की भी कुछ कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बताई थी ना कलावती केस में 20-2 की कुछ कंडीशन है, पहले बंदे का अभियुक्त होना चाहिए, तो इसी में पहली कंडीशन सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यक्ति पर अपराध का आरोप हो, किसी भी व्यक्ति पर अपराध का आरोप, पहली बात तो ऑफेंस होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, उसमें मैंने ये बताया था कि ऑफेंस होना चाहिए किसी प्रकार का, तो व्यक्ति पर अपराध का आरोप हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये कहता है कि उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देना हो, उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देना हो, कि उसे कहा जाए कि आप अपने विरुद्ध क्या दें, साक्ष्य दे। तीसरा उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाए, बाउंड किया जाए, ठीक है आप ध्यान रखना। देखो इस जो आर्टिकल 20 की इंटरप्रिटेशन जो भी थी, अर्थात कोर्ट ने जो भी इसकी व्याख्या की थी, बहुत ही अच्छी व्याख्या की थी, इसके मामले बहुत अच्छे थे, आपको बताऊंगा अभी मामले इसके। तो ये पहली बात कहता है कि व्यक्ति पर अपराध का आरोप होना चाहिए अगर आपको 20-3 में संरक्षण चाहिए, किसमें, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, जब तक आप पे कोई अपराध का आरोप ही नहीं लगा तो बात ही खत्म होगी। दूसरा क्या कहता है, उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए साक्ष्य देना हो। तीसरा कहता है अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए उसे क्या किया जाए, बाध्य किया जाए। यदि हम बात करते हैं इंग्लैंड और अमेरिका की, इसकी तुलना में, इंडिया की तुलना में अगर हम बात करते हैं यूएसए और यूके की, तो वहां पर जो ये है ना आर्टिकल 20-3 जो अपना है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, इन दोनों के संविधान में ये विस्तृत है। विस्तृत कैसे आपको बता देता हूं, कारण यह है कि वहां पर यूएसए और यूके में, अपने तो यहां पर क्या हो रहा है, अभियुक्त पर बात हो रही है, जिस पर अपराध चलेगा तो उसकी गवाही की बात हो रही है। अपने क्या कहते हैं कि खाली उसको हम गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, जबकि यूएसए एंड यूके कहते हैं कि जो उस केस से जुड़े जितने भी गवाह होते हैं ना, अपने किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए यूएसए और यूके में क्या है, विस्तृत है। हमारे लिए तो सिर्फ ये है कि भारत में सिर्फ अभियुक्त पे चलता है, जो भी व्यक्ति है जिस पे ये मामला चलता है केवल अभियुक्त को ये चीज मिलती है, लेकिन अमेरिका और यूके में ये चीज किसको मिलती है, गवाह देने वाले हर व्यक्ति को ये फैसिलिटीज मिलती है। इसलिए आर्टिकल 20-3 वाली जो टर्म है, थियोरी है आत्मअभिशंसन, वो यूएसए और यूके में ज्यादा बड़ी है, विस्तृत है, किसकी तुलना में, भारत की तुलना में। देखो अगर हम बात करते हैं, अब आपको सीधी बात इस पे समझ आ गई, क्लियर समझ आ गई कि किसी भी व्यक्ति को आप आत्म अभिशंसन अर्थात खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अब देखिए इसका जो अल्टीमेट केस है वो मैं आपको बता देता हूं, नंदनी सतपति बनाम पीएल धनी, ठीक है आपको इस केस से समझ आएगा, नंदनी सतपति बनाम पीएल धनी, इंग्लिश में धनी लिख देते हैं इसको, तो ध्यान रखना नंदनी सतपति बनाम पीएल धनी। देखो इसके अंतर्गत इस केस में क्या था, जो भी याचिकाकर्ता थे नंदनी सतपति, ठीक है गवर्नमेंट बताते हैं राजनीतिक पद पे थी, तो अब क्या है कि इनके ऊपर एक केस इंक्वायरी बैठी, और इंक्वायरी के अंतर्गत क्या हुआ, इन पे कुछ आरोप था करप्शन का, तो करप्शन का आरोप होने के कारण आपको बता देता हूँ, इनको बोला गया कि आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, ठीक है
अब इनको क्या बोला कि आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। जब क्वेश्चंस इन्होंने देखे तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मैं इस तरह के कोई जवाब इन क्वेश्चन के आंसर नहीं दूंगी, ठीक है। अर्थात मैंने बताया ना, खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, सेक्शन 179, ठीक है, इनके ऊपर कौन सा सेक्शन लगा दिया, 179 सेक्शन लगा दिया। अर्थात वन सेक्शन, पहले तो आप समझिए सेक्शन 179 क्या कहता है। जब भी कोई लोक सेवक जो सिविल सर्वेंट है वो आपसे किसी तरह की क्वेश्चनिंग करता है और आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, किसी तरह का मतलब उसके साथ कहते हैं ना एडजस्ट नहीं हो पाते, आंसर नहीं देते उसके क्वेश्चंस का, तो आपके ऊपर इसको अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 179 ये कहता है। तो अब इन्होंने क्या किया कि मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं दूंगी, तो उसके बाद क्या सेक्शन 179 लगा दिया गया। अब दो केस हो गए, एक तरफ तो क्या हो गया इनका जो केस चल ही रहा था, और दूसरा सेक्शन 179, दो केस हो गए। अब क्या हुआ, ये मामला कहां चला गया, कोर्ट के अंदर चला गया। तो नंदिनी सतपथी का मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो क्वेश्चंस खुद को कहते हैं कि एक तरह से अपने कहते हैं ना एक्सपोज करते हैं, हमें एक्सपोज कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब देना उचित नहीं है, जरूरी नहीं है। इस प्रकार आप कोई क्वेश्चन के आंसर चाहे तो ना दें। और अगर हम बात करते हैं सीआरपीसी की, अगर सीआरपीसी के एक्ट 161-2 की हम बात करते हैं, सीआरपीसी एक्ट जो दंड संहिता का एक्ट है 161-2, वो भी यही कहता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो आपको खुद को एक्सपोज कर रहे हो, अगर आप चाहें तो उनका आंसर ना दें। तो एक तरह से कहते हैं कि खुद के खिलाफ सबूत देने से लिए क्या किया गया, बाध्य है। आपको दो टर्म्स बता देता हूँ एक एग्जाम्पल में। मान लीजिए एक आदमी चोरी करता है और बोल देता है मैंने चोरी की है, खुले में बोल देता है मैंने चोरी की है, लेकिन कोई सबूत नहीं है इस बात का, तो मेरी बात समझे आप, उसको कोई दंड नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई सबूत ही नहीं है, खुद के खिलाफ सबूत नहीं है, तो आप कैसे मान लेंगे, उसने कह दिया मैंने चोरी की है लेकिन है ही नहीं कुछ, तो आप कैसे मान लेंगे। लेकिन यदि वही व्यक्ति कहता है कि मैंने चोरी की है और चोरी का सामान फलाने घर के अंदर पड़ा है, वहां पर गोडाउन बना हो रहा है और गोडाउन के अंतर्गत स्टोर रूम में वहां पर ये सामान पड़ा है, पुलिस जाती है और वहां पर तलाशी करती है और माल वहां पर बरामद कर लेती है, अब वो क्रिमिनल घोषित होगा क्योंकि खुद के खिलाफ सबूत दिया गया और सबूत वो मिल गया है। तो मेरी बात आप समझे होंगे कि यदि इस प्रकार का, अगर मान लीजिए कोई जो आपके आईपीसी और सीआरपीसी सेक्शन जो है वो कहते हैं ये बातें, कि सेक्शन मैंने बताया 179 कहता है कि यदि आप खुद को एक्सपोज करना पड़े किसी बात के लिए, तो जरूरी नहीं आप उन क्वेश्चंस के आंसर दें। तो नंदिनी सतपथी बनाम पीएल धनी केस में यही बोला गया था, जो इसके बारे में अपनों ने चर्चा की। दूसरा अगर इसकी केस की बात करें, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काथुकालू, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काथुकालू केस, ठीक है। अब ये समझना स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काथुकालू केस क्या था, देखो आपको बता देता हूं। अब एक टर्म तो आपको बता दी मैंने जिसमें क्वेश्चनिंग होगी। सेकेंडली आपको एक, मान लीजिए एक अपराधी है, उस पर मर्डर का आरोप है, उस पर चार्ज लगा कि फलाने किसी व्यक्ति पर मर्डर का आरोप है। मैं आपका उदाहरण नहीं लूंगा, आप कहोगे सर हमें क्यों इसके अंतर्गत शामिल कर रहे हो, हम तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के खुद जज बनना चाहते हैं और आप हमें क्रिमिनल बना रहे हो, इसलिए चलो आपका एग्जाम्पल नहीं लेते, किसी भी एक व्यक्ति का ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पर अपराध ये लगा कि उसने मर्डर किया है, ठीक है। तो पुलिस क्या कहती है कि हमें आपके थंब इंप्रेशन चाहिए कि जो मौका है वारदात पे हमें कुछ कहते हैं कि प्रिंट्स मिले हैं, हाथों के कुछ निशान मिले हैं, थंब इंप्रेशन मिले हैं, हम मैच करना चाहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहता है, कोर्ट में याचिका लगा देता है, कहता है कि मेरे जो है ना खुद के खिलाफ मुझे सबूत देने के लिए क्या किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है। आर्टिकल किस में, 20(3) में आत्म अभिशंसन अर्थात सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अब आप बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या उस व्यक्ति को आर्टिकल 20(3) में संरक्षण मिलेगा आत्म अभिशंसन में या नहीं मिलेगा, इसका उत्तर आप मुझे दीजिए, यस और नो, क्या उसे संरक्षण मिलेगा या संरक्षण नहीं मिलेगा। मैं 5 सेकंड 10 सेकंड वेट करता हूं आपके रिप्लाई का, क्या आप मुझे बताएंगे, जल्दी रिप्लाई कीजिए, इस बात का आंसर दीजिए कि उस व्यक्ति को जिसको फिंगरप्रिंट देने हैं अपने, क्या उसको संरक्षण मिलेगा इस बात के लिए या नहीं मिलेगा। देखिए आपने कुछ जवाब देने का प्रयास किया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इस तरह का कोई आपको संरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट्स हो गए, दस्तावेज साइन हो गए, इस तरह फुटप्रिंट हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल 20(3) में कोर्ट ने बोला आत्म अभिशंसन में नहीं आती, उससे कोई मानसिक शारीरिक हानि नहीं हो रही है आपके, ठीक है। आपके जो
खुद को एक्सपोज करने की बात क्या है, एक आपके फिंगरप्रिंट तो चाहिए, तो आप जाके फिंगरप्रिंट दो, उससे उनको ठीक है, उनको तो एक बात है, उनको केस जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें। इस मामले के बाद आपको बता देता हूँ, एक मामला बहुत अच्छा था जो कि जनरली किताबों में नहीं मिलता, वो आपको मामला बता देता हूँ। उस मामले का नाम क्या था, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद। देखिये, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद जो था, इसके अंतर्गत बताता हूँ क्या हुआ था। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद के अंतर्गत कहा गया था कि कोई भी जो व्यक्ति है, आर्टिकल 23 के अंतर्गत, 2010 का वाद था ये, कहते कोई भी व्यक्ति है, उसको कहते हैं नार्कोटिक्स, पॉलीग्राफी या किसी तरह का ब्रेन टेस्टिंग जो है, आपको बताता हूँ नार्कोटिक्स क्या होता है। अक्सर अपने बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसे कि हाल ही में फिल्म आई थी ये जो कहते हैं नार्को टेस्ट कहते हैं, नार्कोटिक्स जो है डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक नार्को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ये हॉस्पिटल्स में डॉक्टर द्वारा। तो जो नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफी है और लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफी कहते हैं लाई डिटेक्टर को, और तीसरा मैंने बताया ब्रेन टेस्टिंग, किसी तरह का ब्रेन टेस्टिंग की कोई भी विधि, ठीक है। अब नार्को टेस्ट क्या होता है, मैंने बताया एग्जाम्पल के लिए, एक मूवी आई थी जोली LLB सेकंड, ठीक है, उसमें क्या है, अक्षय कुमार एक वो एक्टर जो है वो वकील होते हैं, और वो कहते हैं कि जज कहते हैं कि अपने इसका जो ये अपने गवाह पेश हुआ है ये सच बोल रहा है झूठ, हम इसका नार्को टेस्ट करा लेते हैं। तो वो नशा उसको देते हैं और स्थिति जानने की कोशिश करते हैं, उसकी वीडियोग्राफी करते हैं, ठीक है, इस तरह का कोई भी काम। दूसरा पॉलीग्राफी होता है लाई डिटेक्टर, कि आपके जो संवेग होते हैं, जो आपके अंदर से तरंगे आती हैं, उसके आधार पर पता लगाते हैं क्या ये आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और तीसरा किसी तरह का कोई भी ब्रेन टेस्टिंग परीक्षण। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में बोला गया था कि देखिए शारीरिक मानसिक रूप से ये घातक है, ठीक है, इसीलिए बिना कोर्ट के परमिशन के नहीं कर सकते, क्योंकि ये आत्मविशंसन में आता है और आर्टिकल 23 हमें क्या देता है, आत्मविशंसन से संरक्षण देता है। तो आप याद रखेंगे 2010 से वर्जित क्या क्या चीजें हैं, नार्को टेस्ट वर्जित है, पॉलीग्राफी वर्जित है अर्थात लाई डिटेक्टर, और तीसरा मैंने बताया ब्रेन टेस्टिंग। वर्जित का मीनिंग ये है कि डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट के परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। एक और फिल्म आई थी बॉलीवुड की, दृश्यम फिल्म थी, जिसमें अजय देवगन बड़े ही चालाक दिखाए होते हैं और वो पुलिस को चकमा दिए जा रहे होते हैं, तब एक जगह उनका ऑफिसर जो उसमें तब्बू ऑफिसर दिखाई थी पुलिस, वो ये कहते हैं कि आप इनका क्यों ना आप अपने इनके ये झूठ बोल रहे हैं अजय देवगन, तो अपने लाई डिटेक्टर करा लेते हैं। तो वो बोलते हैं वो हम बिना कोर्ट के परमिशन के नहीं कर सकते। तो अगर आप इन फिल्मों में देखें, ऐसे छोटी छोटी बातें जो हैं उनसे हमें सीख मिलती है, हमें पता चलता है कुछ रूल्स के बारे में। तो आपको बताता हूँ, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद 2010 में बोला गया कि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी और ब्रेन टेस्टिंग, तो आप तीनों बातें याद रखेंगे, फर्स्ट नार्को टेस्ट, दूसरा पॉलीग्राफी और तीसरा ब्रेन टेस्टिंग। किसी भी तरह का ब्रेन टेस्टिंग परीक्षण करते हैं तो वो आत्मविशंसन वो वर्जित होगा, क्योंकि आत्मविशंसन से हमें संरक्षण मिलता है। ये आपका आर्टिकल था 23। तो आपको मैंने 20 आर्टिकल के तीनों क्लॉजेस बता दिए, 21, 22 और 23, कि किस प्रकार एक व्यक्ति को अपराधी होने पर और ना होने पर उसको क्या है संरक्षण मिलता है, कि दंड से संरक्षण उसको मिल सकता है, कि 21 में उसको भूतलक्षी विधियों कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दूसरा 22 के अंतर्गत दोहरे दंड से संरक्षण किस प्रकार मिलता है, और 23 के अंतर्गत उसको किस प्रकार आत्मविशंसन से संरक्षण मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आपको वीडियो समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको आर्टिकल 20 में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर उनके रिप्लाई करूँगा। इसके बाद अगला आर्टिकल स्वतंत्रता का आएगा, अनुच्छेद 21, जिसको हम जल्दी ही करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।